नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा श्री पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नियुक्तियों से, और आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे पेपर के पैटर्न पे कहीं ना कहीं नियुक्तियों से एक से दो प्रश्न जरूर मिलते हैं। या तो भारत के राज्यपालों से उठा लेता है, या भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उठा लेता है, या फिर हमारे हम अभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, वहां से विभिन्न संगठनों या ऑर्गेनाइजेशनों के अध्यक्ष हैं या उनके प्रबंध निदेशक हैं, उन सबसे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है। तो दोस्तों, एक एक करके हम सीरीज को देखेंगे, और मैं आप सबको एक बात बताना और भी चाहूंगा कि दोस्तों, आज आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, यानी हम बात करें तो जून 2020 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी हम आज आपको बता रहे हैं वो लोग अपने पोस्ट पर कार्यरत हैं। दोस्तों, हो सकता है आप कभी और पुराने होने के बाद वीडियो को देखें, तो वीडियो जब पुरानी हो जाती तो उस समय एक बार इसको रिसेंटली यानी प्रेजेंट टाइम से अपडेट जरूर कर लें। अब बात आती है दोस्तों कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इतनी बड़ी श्रृंखला होती है, 28 राज्यों के राज्यपाल होंगे इधर, फिर केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में होंगे, गवर्नर के रूप में होंगे, फिर मुख्यमंत्री होंगे, या फिर अंतरराष्ट्रीय पर बात करें तो बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष होंगे, तो ये बहुत बड़ी श्रृंखला हो जाएगी, कितना याद किया जाए। सबसे बड़ा प्रश्न निकल के क्या आया, कितना याद किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार सीरीज को आप पूरा पढ़िए, इसके बाद केवल आप एग्जाम के पैटर्न पे उन अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों को ध्यान दें जो रिसेंटली में इलेक्शन के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा या जो भी संस्था उनको जैसे भी चुनती है, नव निर्वाचित यानी जो नए वर्तमान में कुछ ही महीनों के बीच में या रिसेंटली चुने गए होते हैं, उनसे ही एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पुरानी नियुक्तियों से पूरे प्रश्न नहीं बनेंगे, केवल रिसेंटली, लेकिन जब हम श्रृंखला को शुरू करेंगे यानी उसको समझते हैं तो उस दौरान हमें हर किसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, करना क्या है हमको, हर महीने में क्या चीजें नई हो रही हैं और क्या चीजें उसमें चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उनको हम अपडेट करते रहेंगे चैनल के माध्यम से, तो आने वाले एग्जामिनेशन में समय समय से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी वो सारी उम्मीद करता हूं आपको पेपर में मिलेंगी। आइए दोस्तों, इसी श्रृंखला में देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, नियुक्तियों का, भारत के राज्यों के राज्यपालों को चर्चा करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली में मैंने आपको बताया था कि इस समय 28+9 यानी हमारे पास बात करें तो राज्यों की संख्या जो है वो 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारी 9 है। तो दोस्तों, हम पूरे टोटल अगर बात करें तो भारत के 37 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर आज देखते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पे कार्यरत है। जैसा कि राज्यपाल के बारे में जानकारी आपको बहुत डीप चाहिए, तो हमारे फैकल्टी संदीप सर द्वारा आप संविधान के वीडियो में जाके वहां पे राज्यपाल के बारे में जरूर देखें। वहां पे राज्यपाल किस तरीके से चुने जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, यानी राष्ट्रपति हैं आपके, राज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री है, इन सब का डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया जा चुका है। तो नॉर्मल दोस्तों हम बात करें तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो आपके राज्यों में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन होता है यानी चुने जाते हैं। अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस कार्यकाल को अपने प्रसाद पर्यंत तक बना के रख सकता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन कहां पर कार्यरत है। आइए, पहला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं। तो दोस्तों, इसको याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में ही कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपने पद को धारण किया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें, बीडी मिश्रा हैं, और असम के बारे में बात करें, जगदीश मुखी हैं, बिहार के बारे में बात करें, फागु चौहान हैं, गोवा के बारे में बात करें, सत्यपाल मलिक हैं,
गुजरात के बारे में बात करें, आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के बारे में बात करें, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें, बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, बंडारू दत्तात्रेय हैं। झारखंड के बारे में बात करें, द्रौपदी मुर्मू हैं। कर्नाटक के बारे में बात करें, बाजू भाई वाला। केरल के बारे में बात करें, आरिफ मोहम्मद खान हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, लालजी टंडन हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने ये देखे, आज ये सभी अपने पद पर कार्यरत हैं। आगे हम और देखते हैं, महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी हैं, मणिपुर नजमा हेपतुल्ला हैं, मेघालय तथागत राय हैं, मिजोरम पी एस श्रीधरन पिल्लई हैं, नागालैंड की बात करें आर एन रवि हैं, ओडिशा के बारे में बात करें प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, पंजाब के बारे में बात करें पीबी सिंह बदनौर हैं, राजस्थान के बारे में बात करें कलराज मिश्र हैं, सिक्किम के बारे में बात करें गंगा प्रसाद हैं, तमिलनाडु के बारे में बात करें बनवाली लाल पुरोहित हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं अनुसुईया उइके हैं, तेलंगाना की बात करें डॉक्टर टी सुंदर राजन है। तो दोस्तों, आपने इतने राज्यों को अभी देखा और बचे हुए राज्यों को हम देखते हैं। अब बचे हुए में हम देखते हैं त्रिपुरा, रमेश वैस, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य, पश्चिम बंगाल जगदीप धनखड़। तो दोस्तों, इस तरीके हमने नॉर्मल स्टेट के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमारी लिस्ट थी 28 यानी 28 के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक या गवर्नर के रूप में काम करने वाले जो भी हमारे कार्यभार पदाधिकारी होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिये, महत्वपूर्ण हम इसलिए अभी गेस नहीं करेंगे क्योंकि देखिए अभी तो कोई एग्जामिनेशन की डेट आसपास में है नहीं। मैं इसका वीडियो लगातार अपडेट कराता रहूंगा, जैसे आपके एग्जामिनेशन आएंगे उस दौरान जो भी नव निर्वाचित होगा उसमें मैं आपको महत्वपूर्ण लाइन वाइज प्रश्नों में या फिर करंट में डिस्कशन करा दूंगा। अभी आप पूरी लिस्ट को 2 से 3 बार देखें तो जनरली बहुत सारे ऐसे हैं जो नाम आपको याद हो जाएंगे। आइए अब हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो उनकी संख्या हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इस समय कितनी हो चुकी है तो 9 हो चुकी है। पहला हम बात करें अंडमान निकोबार के बारे में तो देवेंद्र कुमार जोशी हैं। चंडीगढ़ के बारे में हम बात करें तो बीपी सिंह बदनौर हैं। दादर एवं नागर हवेली के बारे में बात करें तो प्रफुल्ल पटेल हैं। दोस्तों, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में अक्सर ये देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति प्रशासक के रूप में कार्य करता है या उपराज्यपाल के रूप में कार्य करता है, तो दमन एवं दीव के भी प्रफुल्ल पटेल जी ही हैं। लक्षद्वीप के बारे में बात करें फारूक खान हैं। दिल्ली के बारे में बात करें अनिल वैजल हैं। इधर देखते हैं पुदुचेरी के बारे में बात करें किरण बेदी हैं। जम्मू कश्मीर जो आपके नव निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश हैं और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो गिरीश चंद मुर्मू हैं। लद्दाख के बारे में बात करें तो राधा कृष्ण माथुर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के आपके सभी राज्यपालों की लिस्ट आपको अपडेट करा दी गई है। अगर कोई परिवर्तन होता है तो आप इसको अपडेट करते रहिएगा, और अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा किसी भी तरीके की कोई भी समस्या चैनल को सब्सक्राइब करने में या उसमें वीडियोस देखने में दिक्कत आती है तो प्लीज आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को दोस्तों पता होगा नंबर, और जिन्हें नहीं पता है वो लोग नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। एनी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो इसके कॉल करने के बाद आपको अल्टरनेट फैकल्टी के नंबर भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।